हैं। सही हो गया। पहले प्याज और टमाटर को थोड़ा सा पीस लेते हैं, मतलब ग्राइंडिंग कर देते हैं। वही है, प्याज टमाटर अदरक पेस्ट रसम का पेस्ट, ठीक है। दो चार दालचीनी, ये क्या डाला आपने? दालचीनी दालचीनी और इलायच लांग ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा तीन चार बस हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा पानी देता हूँ, हाँ थोड़ा सा पानी देते हैं, ठीक है। इसके बाद चल हो गया, तेल डालो बस। मतलब एक किलो चिकन में भाई कितना तेल देना पड़ेगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम में हो जाएगा ना? 100 ग्राम। तो थोड़ा सा दे देता हूँ जी। हो गया, मैंने लिया तीन लौंग, दो इलायच, दालचीनी, बस हो गया। उसके बाद टेस्ट कर रहा, हो गया ना? दम गरम हो गया, इसके बाद प्याज डालते हैं। ये भाई साहब, ये अमेरिका कुक है। प्याज और थोड़ा सा फ्राई करने दो, थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाएगा ना तब अदरक और जो टमाटर प्याज जो फ्राई में ग्राइंडर करके रखा ना उसको डालना पड़ता है। अभी प्याज हो गया मेरा, अभी डालता हूँ जो पेस्ट करके रखा था वही डाल रहा हूँ। ये ऐसा 15 मिनट तक फ्राई करने देंगे, मतलब 15 मिनट इसको ऐसे फ्राई करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके बाद थोड़ा पानी देना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी देना पड़ता है। उसके बाद हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया का पाउडर इसके अंदर डालना पड़ता है। और 5 मिनट के बाद ये हो जाएगा फ्राई,
थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाएगा तब उसके अंदर डालना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। उसके बाद पहले मैंने हरा मिर्चा दे रहा हूँ, अभी मेरा ये तैयार हो गया। अभी इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ पहले मिर्चा का पाउडर एक बड़ा चम्मच, धनिया का पाउडर एक बड़ा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, थोड़ी सी मैं पानी दे रहा हूँ। और थोड़ा नमक एक बड़ा चम्मच, दो बड़ा चम्मच। चिकन का पाउडर मतलब चिकन मसाला। हाँ, ऐसा ये फ्राई करना है, एक मिनट दो मिनट फ्राई करो, उसके बाद ऐड करना पड़ता है चिकन। एक मिनट मेरा पूरा हो गया, उसके अंदर मैं चिकन ऐड करता हूँ। उसके बाद इसको स्टीम करने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ढक्कन लगा देना। हाँ, सही। अभी मैं पानी ऐड करता हूँ थोड़ा सा, हल्का उगलना पड़ेगा, हल्का बेसि ज़्यादा नहीं। चिकन तो हो गया मैरिनेट, मतलब वो सॉफ्ट हो गया चिकन, बस थोड़ा सा उबलने दो। इसके बाद हरा धनिया गरम मसाला डाल के निकाल के छुटिया कोड़ा का बसे। मैं ऐड करता हूँ धनिया, हरा धनिया मतलब धनिया पत्ता। क्या मलिक साहब, क्या बना रहे भाई मेरे से, तो
मुंह में पानी आ गया।